Audio Jungle. रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्यौहार। जी हाँ, आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि कुछ ही दिनों पर जो है होली का त्यौहार है और होली के लिए जो है बाजार जो है पूरी तरह से गुलजार हो रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आपको अलग अलग रंग जो है पिचकारियाँ जो है इससे बाजार जो है सज चुके हैं। कई होली के लिए जो गाठियाँ लगती है वो भी हमें दिखाई दे रही है और होली के रंग के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में जो है फिर से एक रौनक छाई हुई हमें दिखाई दे रही है। हमारे साथ यहाँ हम देखेंगे आपको बताएंगे कि कलर दिखाई तो दे रहे हैं गुलाल के साथ, लेकिन और भी वैरायटियाँ हमें दिखाई दे रही है, जैसे स्प्रे हो, टैबलेट हो, या फिर और भी बलून की कलर जो है बहुत सारी वैरायटियाँ हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस साल इस होली में क्या नया आया है मार्केट में। की जो गलियां है, इतवारी का जो मार्केट है वो ना सके ये तो हो ही नहीं सकता। नागपुर का जो इतवारी मार्केट है बहुत ही बड़ा मार्केट है, हर सन हो हर त्यौहार हो यहाँ पे जो है भीड़ हमें दिखाई देती है और ये मार्केट जो है हर त्यौहार के लिए सजता है और इसी की तरह होली के लिए भी मार्केट सजा है, होलसेल मार्केट जो है यहाँ का सजा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे गुलाल है, रंग है, पिचकारियाँ है और साथ ही साथ कुछ नए तरीके से चश्मे जो है ये भी हमें दिखाई दे रहे हैं और इसी का हम जायजा अब इस मार्केट में लेंगे। ऐसे बड़े बड़े चश्मे जो है पंखी टाइप के बहुत से लोग टोपियाँ हैं, मुखौटे हैं हमें देखने मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इतवारी के गलियों का। अरे रंग बरसे बिके जो नर वाली रंग बरसे, दुकानों में भी भीड़ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आप पिचकारियों का जो होलसेल मार्केट है इस बारे में, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही अलग अलग तरीके की पिचकारियाँ हैं जिसमें हमारे साथ जिला विक्रेता भी है। तो पिचकारियों की बात करें तो कोरोना के बाद जो है साल जो है होली धूमधाम से, आप जिला विक्रेता हो यहाँ से पिचकारियाँ ले लो तो मुझे बताइए बैग की पिचकारी जो है बहुत फेमस है, तो इसमें बताइए कि कैसा मार्केट है। पहले जो मिलती थी 200-250 रुपए में, आज वही माल है 500, 1000, 700 ऐसा चल रहा है। छोटा माल है जो 20-30 रुपए चलने का, तो वो 100-80 रुपए ये चल रहा है। हमारे तो परेशानी है, बाकी थोक वाले का तो बराबर है, पर हम चिल्लर वाले को थोड़ी मिलता है। बिल्कुल मार्केट ऐसा है, गिरायकी कैसी है? गिरायकी तो खूब है, माल नहीं है मार्केट में, इतनी गिरायकी है। कोरोना के बाद जो हाँ बिजनेस अच्छा है, बोले डबल में पैसा कमा रहे। चिल्लर में क्या बेचेंगे, चिल्लर में कुछ भी नहीं है, होलसेल वाला जिंदा है, गरीब मर रहा है उसके लिए। Money.
रंगों का त्यौहार, गुलाल रंग, और इस रंग में जो है कई वेराइटियाँ जो है हमें दिखाई देती हैं। हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये मैजिक बलून करके ये एक दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ हमें जो दिखाई दे रही है। हम यहाँ के जो शॉपकीपर हैं इनसे जानेंगे कि ये नए जो प्रकार जो हमें दिखाई दे रहे हैं, भैया हम यहाँ अपने कलर गुलाल ये तो देखे हैं, स्प्रे देखे हैं, पर बहुत ही नई वैरायटी आपने देखा है। ये देखिए, ये जो नई एक वैरायटी है ये भूरे भूरे गुलाल, ये छोटा सा गुलाल शावर है, अब इसको दबाएंगे हवा में गुलाल उड़ेगा, ये गुलाल पूरा हवा में जाएगा। हर्बल गुलाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन साइड इफेक्ट है, पूरा गुलाल शावर है, हर्बल गुलाल शावर है, सेंटर गुलाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया चीज़ है। देखिए मैजिक बलून आया हुआ है, ये 3 साल से चल रहा है, बहुत अच्छा आइटम है। आप इसको बाल्टी में लगाइए, ऑटोमेटिकली बाल्टी के अंदर रबर बांध के बलून गिर जाएंगे, इसको गार्ड बांधने की कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ में आपको स्प्रे आए हुए, स्नो स्प्रे है, कलर वाले स्नो स्प्रे आए, और ये कैप्सूल्स है जो बलून के अंदर डालने से ऑटोमेटिकली घुल के कलर वाले बलून बन जाते हैं। ये स्नो स्प्रे है जिसके अंदर आप जैसे हवा में डालो, जैसे होली में बनता है बर्थडे स्नो स्प्रे, उस टाइप का स्नो स्प्रे है, ये ऑटोमेटिकली स्नो उड़ेगा। मार्केट में हमें होली के लिए रंग बिरंगी कलर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हरा, लाल, पीला, गुलाबी, जामुनी। हमारे साथ जो है यहाँ के जो शॉपकीपर है, हम उनसे जानते हैं कि जैसे कोरोना के बाद इस साल जो है 2 साल के बाद हम कह सकते हैं कि इस बार की होली जो है काफ़ी रंगों वाली होली होगी, इनके लिए ये होली कैसी है ये भी जानते हैं, क्योंकि इतने सारे रंग, पिचकारियाँ ये वो हमें दिखाई दे रहे हैं। भैया क्या बताओगे, अभी रंग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, होली कुछ ही दिनों पे है, ये होली का त्यौहार कैसी गिराई की हो रही है? गिराई की तो पिछले साल से अच्छी रहेंगी, इस बार पिछले साल लॉकडाउन के वजह से हम व्यापार भी नहीं कर पाए थे, और इस साल काफ़ी बेहतर बिजनेस रहेगा पिचकारी का और कलर का। और आज हमने इस साल पहले 3 दिन पहले लगाते थे, आज 5 दिन पहले हमने लगाया है, 5 दिन पहले से हमारा धंधा स्टार्ट हो गया है, पहले 3 दिन पहले हम यहाँ पे व्यापार करते थे, अभी हमने 2 दिन और पहले लगाए तो हमारा व्यापार पहले से बेहतर चल रहा है इस साल। बिल्कुल, क्या डिमांड है कस्टमरों की, मतलब कलर जो है अभी तो सभी जो है मतलब बहुत ही प्रिकॉशंस लेते कलर रंगों को लेकर, तो रंग कैसे है, मतलब इको फ्रेंडली रंग और भी कई प्रकार रंगों के आएंगे, क्या बताए? ये हमारे इस तोता यानी कंपनी है, तोता कंपनी, ये ज़्यादा बिकता है, और अभी तो व्यापार स्टार्ट हुआ है अभी, यानी तो ग्राहक बोले तो हर साल यही लेता है जो चलता है, यानी हम हर साल वही बेचते हैं, और गुलाल में हर्बल कलर आता है, हर्बल करके कंपनी है, ज़्यादा वही चलता है। चलिए बता दीजिए, कौन सी डिमांड है कस्टमरों की, क्या ज़्यादा मतलब मांग की जा रही है, कौन से रंग की? रंग बोले तो सभी चलते हैं, ज़्यादा ग्रीन और रेड और पिंक कलर, यानी ये तीन कलर की डिमांड हर साल रहती है, और बस 2 साल से व्यापारी फेल हो गए, और इस साल मार्केट में जो रौनक थी वो रौनक नहीं है, और मार्केट के इतने रेट बढ़ गए, जो मान लो कि हमको डिमांड है, जैसे तोता की डिमांड है जहाँ हम 120 में लेते थे, वो आज 225 रुपये हो गई, और कस्टमर का आज डर नहीं निकला है, क्योंकि केंद्र सरकार स्टेट सरकार क्या करेंगी, कब कोरोना कब कुछ लगाएंगी, और कोरोना में हम नहीं मरे हैं, बड़े नहीं मरे, हम मरे हैं व्यापारी। आज आप देखिए क्या आज खाते किसके माइनस हुए हैं, एक मजदूरों के, एक साधारण व्यापारी के, लीडरों के, नेताओं के खाते माइनस नहीं हुए, अपने खाते माइनस हुए, इसलिए आज व्यापार ऐसा हो गया कि हम रास्ते पे आ गए। मतलब कोरोना का रंग इस बार होली पर भी दिखने वाला है? हाँ, दिखने वाला है, क्यों, मार्केट में GST के नाम पे और बाकी जो चीज़ों टैक्सेस के नाम पे व्यापारियों की कंबर मोड़ गई, उत्पादन बंद रहा 2 साल तक, व्यापारी का उत्पादक बंद रहा, अभी जो मार्केट में माल आया है 4 आने का बेचने का 12 आने में बेच रहे, और गिराई टूट गए, आज होली जो करना है उस प्रकार की नहीं होंगी,
या 100 रुपये की गाठी लेने का है वो 50 रुपये की लेगा, करेगा वो ठीक है। या 10 रुपये की पिचकारी आज 60 रुपये हो गई। कहने का मतलब ये है कि सामान्य आदमी के बकावल में होड़ी नहीं है, आगे अगर खुल गई तो अगले साल कर सकते लोग। होली का त्यौहार जो है नज़दीक आ रहा है, बाजारों में गाठियाँ जो है हमें सजी हुई दिख रही है, बहुत ही अलग अलग तरीके से इसे सजाया गया है। क्या बताओगे गाठियों के बारे में, कैसा इसे रिस्पांस मिल रहा है और इसमें बढ़ोतरी हुई है क्या दामों में? दामों में तो करीबन 25 रुपये केजी की बढ़ोतरी हुई है और सीजन बहुत अच्छा चल रहा है अभी। ये जो फूल वाली गाठियाँ वगैरह दिख रही है इसके बारे में बताइए। ये ऐसा है कि ये फैंसी है, ये पहनाने के काम आती है बच्चों को, बड़ों को और बड़े लोगों को जो पहनाते हैं मान सम्मान से, और आजकल ये शादी ब्याह में भी पहनाया जाता है, खास करके दुल्हन को। ये सजी गाठी रहती है, इसमें 5-6 वैरायटी रहती है और छोटे में कम से कम 50 ग्राम रहता है, 100 ग्राम रहता है, 200 ग्राम रहता है, 300 ग्राम रहता है, आधा किलो, 1 किलो, यहाँ तक कि 5 किलो तक की रहती है। डिमांड कैसी है कोरोना के बाद, लोग कैसे मतलब 2 साल बाद मार्केट खुला है, इससे क्या है हर आदमी वही बैठा था अब वो दुकान लगाना चाह रहा है, इसके बहुत ज़्यादा। होली का पर्व नज़दीक आते ही गांव सहित देहातों तक जो है बाजारें सज जाती है, और उसी तरह जो है शहर में बाज़ारों का हमने रुख किया, बाज़ारों में कई तरह की दुकानें यहां सज चुकी है, कहीं जो है मुखौटे हैं, कहीं टोपियां हैं, कहीं पिचकारियां, कहीं गुलाल अबीर, और किस अभी गुलाल में कलर में बहुत सारी वेराइटियाँ हमें देखने मिली, जैसे कि टैबलेट हो, स्प्रे हो, और उसी के साथ पिचकारियाँ जो है पिचकारियों में भरी मात्रा में जो है वैरायटी दिखाई दे रही है। और इसी के साथ जो है आने वाला होली का त्यौहार जो है लोग बहुत ही खुशियों के साथ मनाएंगे ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि मार्केट में जो है गिरायकी भी अच्छी हो रही है, दुकानदार भी खुश है और उसी तरह ग्राहक भी है, 2 साल के बाद जो है होली खेलने का मौका मिल रहा है तो वो भी हमें खुश दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।